दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए हैं। लेकिन क्या आप देश के उस मंदिर के बारे में जानते हैं जहाँ साइंस की सारी थियरी फेल हो जाती है? एक ऐसा मंदिर जिसके शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में खंडित या अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में रखी मूर्तियां आज भी अधूरी हैं। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की एंट्री पर रोक लग गई थी। कौन सा है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर से जुड़े रहस्य, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ वो भगवान विष्णु के चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी है। ये मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। इस मंदिर की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। कहते हैं यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में आना ही चाहिए, तभी चार धाम करने का सारा पुण्य मिलता है। वैसे आपको बता दें, जगन्नाथपुरी वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ये मंदिर भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का उल्लेख महाभारत के वान पर्व में भी मिलता है। इसके अलावा कुर्म पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु चारों दिशाओं में बसे अपने धामों की यात्रा पर निकलते हैं। उस दौरान वो सबसे पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, फिर पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण दिशा में स्थित रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में ही निवास करने लगे थे और पुरी के जगन्नाथ बन गए थे। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पर क्या आपको पता है कि इस मंदिर में विराजित ये तीनों मूर्तियां आज भी अधूरी हैं? लेकिन बावजूद इसके यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इन मूर्तियों की पूजा अर्चना करते हैं। इन मूर्तियों से जुड़ी कहानी आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल जाएगी, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में राजा इंद्रद्युम्न नामक एक राजा हुए। एक बार राजा को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना मंदिर बनवाने को कहा, जिसके बाद राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे मंदिर में विराजित करने के लिए तुम मेरी मूर्ति बनवाओ और उसके लिए तुम समुद्र में तैर रहे पेड़ के उस लट्ठे को उठा कर लाओ जो द्वारिका से समुद्र के रास्ते तैरते हुए पूरी आ रही है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के कहे अनुसार राजा ने ठीक वैसा ही किया। राजा के सेवक पेड़ के उस लट्ठे को नदी से उठाकर ले आए। अब बारी थी उस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, पर राजा के कारीगर लाख कोशिशों के बाद भी उस लट्ठे पर छैनी नहीं चला पाए। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे उनके भगवान की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। मूर्ति बनाते हुए कोई उन्हें देख नहीं सकता। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कहा जाता है कि राजा प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। राजा को लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं, इसलिए राजा ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वहीं दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। इन मूर्तियों में भगवान विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ और उनके भाई के अभी केवल छोटे छोटे हाथ ही बनाए थे, उनके टांगे अभी नहीं बनी थी। वहीं सुभद्रा के भी हाथ पाँव नहीं बन पाए थे। पर दरवाजा खुल चुका था और भगवान विश्वकर्मा जा चुके थे, इसलिए राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन अपने उसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विद्यमान हैं और आज भी उसी रूप में उनकी पूजा होती है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य मान्यता भी लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़क रहा था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का ये दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है।
दोस्तों, जगन्नाथपुरी में हर 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। और जब मूर्ति को बदला जाता है तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के दिल को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। इन मूर्तियों को बदलने के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। इस दौरान किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी गलती से भी मूर्तियों को देख ना सके। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियों को बदलते समय जब वो भगवान श्री कृष्ण के दिल को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा तो नहीं है, लेकिन उसे छूने पर वो एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा होता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य मंदिर के शिखर पर लगे झंडे में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया भर में किसी भी शिखर पर टांगे हुए झंडे हमेशा हवा की दिशा में लहराते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर के शिखर पर लगे झंडे को मंदिर के पुजारी प्रतिदिन 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी दिन गलती से ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक ये प्रथा यहाँ पिछले 800 सालों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज भी दुनिया के सामने नहीं आ पाया है। दोस्तों, अगर आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो आपको मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि ये चक्र 8 धातुओं से बना हुआ है। इसे नील चक्र कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि मंदिर पर लगे इस चक्र को आप चाहे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, चक्र का मुंह हमेशा आपकी तरफ ही रहेगा। जहां आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के पास ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। जहां दिन के समय हवा धरती से समुद्र की तरफ चलती है और शाम को समुद्र से धरती की तरफ। अब ऐसा यहाँ क्यों है, ये आज भी एक रहस्य है। कहते हैं इस मंदिर को बनाने वाले कारीगरों ने इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया है कि इस मंदिर के शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती है। फिर चाहे सूर्य का प्रकाश कितना भी तेज क्यों ना हो, मंदिर के शिखर की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि इस मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है, लेकिन बावजूद इसके आज तक किसी भी व्यक्ति ने जगन्नाथ मंदिर के शिखर की छाया को जमीन पर नहीं देखा है। दोस्तों, मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की भी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि आप सभी जानते हैं कि मंदिर के पास ही समुद्र है। हालांकि आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज अस्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती हैं। माना जाता है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही ये गंध आनी बंद हो जाती है। आमतौर पर ऊंची इमारतों के ऊपर से पक्षी गुजरते रहते हैं और कभी कभी तो उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से आज तक किसी भी पक्षी को गुजरते हुए नहीं देखा गया है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को उड़ते हुए भी नहीं देखा गया है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की रसोई भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। बताया जाता है कि इस मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखा हुआ प्रसाद सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा हुआ प्रसाद पकता है। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ मिलने वाला प्रसाद कभी भी भक्तों के बीच कम नहीं पड़ता है। फिर चाहे यहाँ 10 से 20 हजार श्रद्धालु आए या लाखों श्रद्धालु, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी इस मंदिर के रहस्य को जानने के बाद यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें, श्री जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा शख्सियत क्यों ना हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी एंट्री नहीं दिया गया था। साल 1984 की बात है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि पुजारियों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं।
मंदिर प्रशासन के अनुसार इंदिरा गांधी का विवाह एक पारसी के साथ यानी कि फिरोज गांधी के साथ हुआ है, इसलिए विवाह के बाद इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। यानी कि देश के प्रधानमंत्री भी अगर गैर हिंदू हैं तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। नवंबर 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी ओडिशा की पहली यात्रा पर थी, लेकिन उन्हें भी मंदिर को बाहर से ही देखने की अनुमति मिली थी। साल 2006 में भी स्विस महिला एलिजाबेथ जिगलर की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिली थी, क्योंकि वो ईसाई महिला थी, जबकि उनकी ओर से मंदिर को 1.78 करोड़ रुपए का दान भी दिया गया था। यानी एक बात तो साफ है कि इस मंदिर में विदेशियों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिल सकता। मंदिर के बाहर बोर्ड पर भी ये बात स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि गैर धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किस धर्म के हैं, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।